लो जी नाश्ते से तुहानू मैं महफले मुशायरा भी नाल सुना दा लेकिन पंजाबी विच जी। हाँ जी हाँ तो तर जमाने दी नजर कर हां जिवें पाक रसूल फरमावे बदियां फैलियां आण जहाना ते मुसलमान भी रंग वटावे ओई अंसारी दी बादशाही सन बीबी फलक थी आवे मैदी पाक दे दूर दे नूर लोको चन सूरज भी दे शर्मा गए जोए जहर जदों तराज कीते दुश्मन शुरू सलाम उते तरा तरा दे आन बतान बने नबी पाक अलै सलाम उते ओ गैरत रब दी क्यों ना भड़के ते जोश मार दी अर्श दे बाम उते ओ क्यों ना रब ने भेजा मामै दी लड़े जवान के नबी दे नाम उते अकल कर हां मुसलमान होके ते संगी बन ना मोल अंसारियां दा उम्मत खैर मुसलीन दी होवे ते पकड़े साथ ना रब दियां मारियां दा पर हटा दलील अंजील वाली ते कर शर्म तीस पारियां दा हो जा नाल कुर्बान उसी जो सरदार पैगंबर सारियां दा गैर गैर ते दोस्ते अफसोस केड़ा जदों अपने भी होर दे होर हो गए आए सद पछेंदड़े नहीं ओ कल जहां दे चोर हो गए देख दे के मैदी दे राधी दे थक जिना दे कमजोर हो गए काफ कसम तेनू मौला पाक दिए ओ जरा मार खा नजर कुरान अंदर ओ केड़े नबी दी नहीं तकजीब होई रब ने भेजा जो इस जहान अंदर मक्के वाले भी सोग मनाया जिदो लोला काया जिदी शान अंदर मनिया क्यों मसीह मौताइया फान हिंदुस्तान अंदर काफ करम ते फजल खुदा डेंका दीन बजा दिता गलबा बख्शिया तमामी सारा कुफर ते शिरक उड़ा दिता आखर आके मक्के वाले भी नबी दे सीस झुका दिता एक और नंदन सुना उसको लुटाएंगे ये हमारा वादा है और हम बेशक उसको करने वाले हैं और सुनो मखलूक में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को लिबास पहनाया जाएगा और सुनो मेरी उम्मत में से जब लोग लाए जाएंगे उनको बाएं जानिब से पकड़ा होगा और मैं कहूंगा कि ए मेरे रब ये मेरे सहाबा हैं सो कहा जाएगा आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या नई बातें निकाली तो मैं इस तरह कहूंगा कि जिस तरह अल्लाह के आपके साले ने कहा था मैं उन पर उसी वक्त तक निगाहबान था जब तक कि मैं उनमें रहा फिर जब उन्होंने पूरी सारी तबलीग कर रहे हैं इस आयत में जो कद खलत का लफ्ज आया है ये दो माने रखता है खलत के माने दो हैं एक है मौत और एक है कत्ल आप चाहे लोगों की कोई भी किताब उठा लें आपको खलत के माने यही मिलेगा और जमीन लुगात की किताबों में जैसे हम कहा किसी के मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि लो जी ये मैनू इन्होंने भेजी थी मैं भी इन्होंने भेजनी साग ते अंडा ए मक्के दी रोटियां ते फिर ना कि असीं कल्ले खाने होंदे जी एक चीज दी कमी सी रात मखणी दा घ्यो बना लिया अच्छा ठीक है तां बन जावे ते नाल देखो तुहाडा चाचा भी ते ए मरबी साहब दा घर है ते बड़ा बाबरकत घर है
ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਮਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ।